आज 2024 में इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शंस की मार्केट में कोई कमी नहीं है। बेस्ट फीचर्स, बेस्ट रेंज और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कई ऑप्शन आपको हर प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन टाइम के साथ डिमांड्स चेंज होती है और मार्केट में टॉप पर रहने के लिए सिर्फ स्कूटर ही नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक स्कूटर्स की जरूरत है। और अब 2024 में 10 ऐसे अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं जो सबको पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए फिर प्राइस रेंज और फीचर्स और लॉन्च डेट की हर एक डिटेल के साथ टॉप 10 अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन 2024 की शानदार राइड जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है टॉर्क इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन ये इस रेवोल्यूशन में बहुत पहले से एंट्री मार चुकी है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक बाइक काफी पहले से भारत में सेल हो रही है। अब 2024 में टॉर्क अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मार्केट में उतारने का प्लान कर रही है। अभी इसकी ज्यादा गुड डिटेल्स तो आउट नहीं हुई है, बस इसको टेस्टिंग के दौरान स्पाई शॉट किया गया था। अब करंट मार्केट और कॉम्पिटिशन को देखते हुए इसमें 4 किलोवाट का बैटरी पैक दिया जाएगा और 100 किलोमीटर तक की रेंज और साथ ही 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपेक्टेड है। भाई 2024 के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस होंगे। मार्केट में टिकना है तो इतना तो ऑफर करना ही पड़ेगा। लुक्स की अगर बात करें तो दिखने में तो ये स्कूटर काफी हैवी और मजबूत सा नजर आ रहा है, जहां इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च 2024 के फोर्थ क्वार्टर में हो सकती है और प्राइस का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नंबर 9 पर है रिवोल्ट NX100, जिसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है लेकिन इसकी डिलीवरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका लुक काफी अट्रैक्टिव है, कई एडवांस फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं और शानदार रेंज देने का वादा भी इसमें किया गया है। इसके स्पेसिफिकेशंस पर अगर हम आए तो 4.2 किलोवाट की पावरफुल मिड माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर इसमें आती है जो 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको देती है। वहीं बैटरी की अगर बात करें तो जिसकी वजह से ये ज्यादा चर्चा में है, तो लिथियम आयन बैटरी के 4 सेट इसमें आएंगे जिनको फुल चार्ज होने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा और एक फुल चार्ज में लगभग 180 से 280 किलोमीटर तक की रेंज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देगा। फीचर्स में यहाँ फ्रंट में कैमरा लगा हुआ है जो अभी तक किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद LED DRL, 7 इंच टच स्क्रीन जिसमें बैटरी स्टेटस, राइडिंग मोड जैसे और भी कई डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरीज 2024 के मिड में हो सकती है, जहां इसकी स्टार्टिंग शोरूम प्राइस 1.2 लाख रुपीज है। नंबर 8 पर है TVS iQube ST, जिसको करीब 1 साल से कंपनी डिले कर रही है और ये सेम TVS iQube जैसा रहेगा, बस कुछ चीजों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब TVS का सिर्फ एक स्कूटर मार्केट में है और सिर्फ एक स्कूटर से ही ये कंपनी भारत की टॉप सेलर्स की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है। iQube ST इनका वन एंड ओनली स्कूटर का ही अपग्रेडेड वेरियंट होगा। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 4.56 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक जो 145 किलोमीटर तक की एक्सपेक्टेड रेंज देगा और चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का समय लेगा। फीचर्स में यार रिमोट व्हीकल इमोबिलाइजेशन, कीलेस अनलॉकिंग, 17.78 सेंटीमीटर TFT टच स्क्रीन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, 32 लीटर अंडर सीट स्टोरेज प्लस USB चार्जर पोर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स इसमें दिए जाएंगे। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च जून 2024 में बताई जा रही है, बाकी देखो कंपनी कब तक इसको लॉन्च करती है। इसकी एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस 1.5 लाख रुपीज के आसपास रखी जा सकती है। नंबर 7 पर है ब्रिस्क EV, जिन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में इंट्रोड्यूस किया है और अब ये इसको लॉन्च करने की कगार पर है। यानी कि 2024 में भैया एक और नई कंपनी और एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एंट्री लेने वाला है। इसमें शानदार फीचर्स और एक्सीलेंट रेंज मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी इसकी लॉन्च से पहले इस चीज की गारंटी लेना थोड़ा मुश्किल होगा। इनके बताए गए स्पेसिफिकेशंस को अगर हम देखें तो 2.1 किलोवाट की मोटर इसमें आएगी जो 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको देगी। बात करें इसकी बैटरी की तो दो बैटरी, एक 4.1 किलोवाट आवर की फिक्स बैटरी और एक 2.1 किलोवाट आवर की स्वैपेबल बैटरी इसमें आएगी जो 333 किलोमीटर तक की रेंज देगी। अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 333 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो कई बड़ी कंपनीज को ये बीट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई रेंज इस मार्केट में अभी तक सिंपल वन ही ऑफर कर पाया है। इसकी लॉन्च 2024 के एंड में एक्सपेक्टेड है, जहां इसकी प्राइस 1.2 लाख रुपीज से स्टार्ट हो सकती है। नंबर 6 पर है यामा नियोस, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्म अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं मिला था, लेकिन अब 2024 में इसकी लॉन्च देखने को मिल सकती है। इसके स्पेसिफिकेशंस पर अगर हम आए तो 2.3 किलोवाट की सिंक्रोनाइज मोटर इसमें आएगी जो 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करेगी और बात करें बैटरी की तो लिथियम आयन बैटरी इसमें आएगी जो 70 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करेगी। इसको चार्ज होने में लगभग 8 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों इस स्कूटर में फीचर्स की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। रिमूवेबल यामा लिथियम आयन बैटरी, सेलेक्टेबल राइडिंग मोड्स, अल्ट्रा क्वाइट रनिंग, कनेक्टिविटी वाया यामा माई राइड ऐप, जेट हेलमेट अंडर सीट स्टोरेज, स्टाइलिश एंड इजी टू रीड LCD इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट की, कीलेस सिस्टम जैसे कई सारे यूजफुल फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। इसकी लॉन्च 2024 में एक्सपेक्टेड है और इस साल के एंड तक शायद ये मार्केट में एंट्री ले सकता है। प्राइस की अगर बात करें तो इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपीज के आसपास रखी जा सकती है।
नंबर 5 पर है एथर रिस्टा, जो भारत की सबसे पॉपुलर और यूथ की पहली पसंद एथर का नया प्रोडक्ट रहने वाला है और फिलहाल ये काफी चर्चा में भी है। भाई एथर भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सच में स्टाइल और परफॉर्मेंस का एकदम बेहतरीन कॉम्बो एकदम बजट में ऑफर कर रही है। अब कमी बस एक है कि इनके पास ऑप्शन कम है, लेकिन इस नए स्कूटर के आने के बाद इनके लाइनअप में एक और बेहतरीन ऑप्शन ऐड होने वाला है। इसको बड़ी सीट और कुछ चेंजेस करके फैमिली स्कूटर बनाया गया है। स्पेसिफिकेशन जिसमें एथर के पहले वाले स्कूटर्स के सिमिलर ही रखे जाएंगे, बस कुछ डिजाइन और फीचर्स में चेंजेस इसको दिए जाएंगे। भाई अभी कंपनी ने इस ब्रांड न्यू स्कूटर के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बता पाना अभी मुश्किल है। इसकी लॉन्च होने के बाद ही कंफर्म होगा कि इसमें एथर क्या नया लाने वाले हैं। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च 6 अप्रैल है, जहां इसकी प्राइस 1,00,000 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। इस प्राइस में अगर ये लॉन्च हुआ तो ये मार्केट में आग लगा देगा। नंबर 4 पर है भाई एम्पियर NXG, जो इस कंपनी का अब तक का सबसे स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। एम्पियर इस मार्केट में नए नहीं है, ये काफी पहले से इस ईवी रेवोल्यूशन का हिस्सा है और बजट में एकदम डिसेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर करने के लिए ये जाने जाते हैं। अब कमी ये थी कि इनके स्कूटर में उतने फीचर्स नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब एम्पियर NXG इस कमी को दूर करने का वादा करता है। इसके लुक्स की अगर बात करें तो एलिगेंट एंड बॉक्सी बॉडी वर्क और स्पेशियस फुटबोर्ड इस स्कूटर में मिलेगा। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो मिड माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर इसमें आएगी, जो 120 किलोमीटर तक की एक्सपेक्टेड रेंज इसको देगी। अब इससे ज्यादा कुछ स्पेसिफिक इसके बारे में रिवील नहीं किया गया है। फीचर्स में लार्ज डिजिटल डिस्प्ले, एपरेंट माउंटेड LED हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स, 12 इंच अलॉय व्हील्स इसमें आएंगे। ये 2024 के एंड तक लॉन्च हो सकता है, जहां इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1.5 लाख रुपीज है। नंबर 3 पर है गोगोरो इलेक्ट्रिक, जिन्होंने भारत में हीरो मोटोकॉर्प से पार्टनरशिप की है और अब बहुत बड़ा बैटरी स्वैपिंग सिस्टम ये भारत में डेवलप कर रहे हैं। इस स्वैपिंग नेटवर्क के साथ ही ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी भारत में लॉन्च करने वाले हैं। अब तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये कंपनी नई है तो तुम गलत हो, क्योंकि भारत के बाहर ये कंपनी काफी पॉपुलर है और इनके कई इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। अब पूरी तैयारी के साथ ये भारतीय मार्केट में एंट्री मारेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका कौन सा स्कूटर भारत में लॉन्च होगा इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स आउट नहीं हुई है। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में इनका पहला स्कूटर 170 किलोमीटर तक की शानदार रेंज के साथ आएगा। इस बेहतरीन रेंज के हिसाब से इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस का अंदाजा लगाएं तो वो भी मोर देन डिसेंट ही मिलने वाला है, क्योंकि इस कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना विश्वास बनाया है, तो भारत में भी ये वो ही करेंगे। इनका पहला स्कूटर मिड 2024 में लॉन्च हो सकता है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1.5 लाख रुपीज तक जा सकती है। नंबर 2 पर है विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो एक नई ब्रांड है और अब ये बहुत ही जल्द भारत में एंट्री लेने वाली है। भारत का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब ऑलमोस्ट हर कंपनी भारत में एक्सपेंड करना चाहती है और विनफास्ट भी उन्हीं में से एक है। ये एक वियतनामीज ईवी मैन्युफैक्चरर है जिनके वर्ल्ड वाइड स्कूटर्स अवेलेबल हैं और अब ये भारत में एंटर कर रहे हैं। भारत में इनका पहला स्कूटर क्लारा एस हो सकता है, जिसमें 3 किलोवाट की हब मोटर मिलेगी और 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। 3.5 किलोवाट आवर की LFP बैटरी इसमें आएगी, जो 194 किलोमीटर की क्लेम रेंज ऑफर करेगी। इसकी बैटरीज लॉन्ग लाइफ और अच्छी क्वालिटी की आती है, जहां कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फीचर्स वगैरह फिलहाल कंफर्म नहीं है, देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स ये भारत में लाएंगे। बात करें इसकी लॉन्च की तो ये 2024 के एंड तक लॉन्च हो सकता है, जहां इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1.5 लाख से ऊपर जा सकती है। नंबर 1 पर है टेजर इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो एक कर्नाटका बेस्ड एक स्टार्टअप का प्रोडक्ट है। अब जरूरी नहीं है कि TVS, बजाज और हीरो जैसे बड़े ब्रांड ही मार्केट में मोनोपोली रखें, क्योंकि नए स्टार्टअप भी कुछ बेटर ऑफर कर सकते हैं। ये बात एथर और सिंपल वन जैसी कंपनीज ने साबित कर दी है, तो टेजर भी अब उसी लाइन में एक और नई एंट्री है। इस ब्रांड न्यू ई स्कूटर से 160 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्टेड है और इससे कम रेंज वाले और भी वेरिएंट मार्केट में ये उतार सकते हैं। BLTC हब माउंटेड मोटर इसमें आएगी, जो 70 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड इसको देगी। अब इसके अलावा ज्यादा डिटेल्स इसकी आउट नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 में इसको लॉन्च किया जा सकता है, जहां इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र 85,000 रुपीज से स्टार्ट हो सकती है। तो भाई एकदम सस्ते में एक बढ़िया रेंज वाला स्कूटर आप लेने की सोच रहे हैं तो ईवी मार्केट में एक और बढ़िया ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये है वो 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2024 में एंट्री लेने वाले हैं। आप इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और क्यों, और इनके लिए इंतजार करना वर्थ इट है या नहीं, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो या कार, सबसे पहले सबसे बेस्ट अपडेट्स और रैंकिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो नया स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो। अब अगर इतना वेट नहीं कर सकते हो तो 2024 में सबसे बेस्ट ई स्कूटर्स कौन से हैं, जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो बस आज के लिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।